मेरी छोटी दीदी है, उनकी बेटी है दक्षिता, और वो मुझे एक प्यारा सा लेटर भेजी है, तो मैं अभी उसको रीड करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे मोमेंट से फाइट कर रही हूँ बिकॉज़ वो मेरा वाला चाय पी लिए हैं और अपना वाला नहीं पिए हैं, इसमें ज़्यादा है इस वजह से। ये मेरी नीस ने मुझे लेटर भेजा है, आज ओपन करती हूँ। तो मेरी दीदी बोल रही थी कि वो खुद से लिखी है और सभी चीज खुद से की है, सो विल सी व्हाट इज देयर इनसाइड। अपने से बनाई है अच्छे से। ओ सेल्फी। ये देखिए दिख रहा है दनी। ये देखिए सेल्फी ले रही है और दक्षिता की मौसी यानी कि मैं। क्यूट सा बनाई है एंड यहाँ पे भी इस साइड में डिजाइन बनाई है और इधर से पेंसिल से लेटर लिखी है। मैं पढ़ती हूँ। टू माई डियर मौसी, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई लव यू वेरी मच, यू आर वेरी ब्यूटिफुल एंड क्यूट। यू आर माई बेस्ट मौसी इन दिस वर्ल्ड एंड क्यूटी पाई। हाँ वो मुझे क्यूटी पाई मौसी बोलती है। गॉड ब्लेस यू वेरी मच, यू आर वेरी काइंड, यू आर द बेस्ट इंजीनियर ऑफ माई फैमिली। ओह मोमेंट आप गए, आई एम द बेस्ट इंजीनियर। यू गिव मी माई ऑ You give me my all favorite things that I love. All the best in your new project, my cutie pie. Oh, project ke liye. I know that your house project is very wonderful. I am really proud you are my mossy. I am too, Dakshita. Your YouTube videos are very good till now and I pray to God that your YouTube video will grow up very fastly. I love your videos very much. You are the best chef in my family. Oh, jo bhi cheez hai na wo best in my family ho gaya. But wo wala acha tha, best engineer of my family. बेचारे मोमेंट का मुंह देखो दक्षिता, नेक्स्ट टाइम में मौसा जी का भी मैसेज में अच्छे से लिखना। हाँ आई नो दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड यू आर लुकिंग वेरी ऑसम मौसी। आई एम नॉट देयर सो यू विल नॉट बी सैड। सेलिब्रेट योर बर्थडे वेरी नाइसली। श्योर जरूर जरूर सेलिब्रेट करेंगे। आई लव यू माई क्यूटी पाई, आई लव यू टू दक्षिता। ये क्यूट सा है बट हाईलाइट तो पता चल ही गया ना क्या था। मोमेंट को चिराने के लिए बेस्ट है। सो मेरा हाफ कप टी, हाफ से थोड़ा कम है। हम पी लिए थोड़ा ज्यादा बन गया था इसलिए मैं आपके में डाल दी थी। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज वॉचिंग माय वीडियो एंड आज है 23 सितंबर और आज है मेरा बर्थडे, तो मैं सबसे पहले मेरी नीज है उसका लेटर ओपन की हूँ, आप लोगों को दिखाई हूँ, आप लोग को रीड करके भी दिखाई हूँ। एंड जो गिफ्ट्स था वो तो मैं कल ही ओपन कर ली, जो बचा हुआ गिफ्ट्स था मतलब मम्मी और दीदी का तो पहले कर ली थी, मोमेंट का कल रात में कर ली हूँ, आप देख ही लिए हैं। सिर्फ रात में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया बिकॉज आप लोगों को पता है कि एक बैलून फूट गया और ऊपर कोई बच्चे हैं इस बिल्डिंग में, उसका रोना शुरू हो गया, छोड़ दो छोड़ दो, अभी रात में नहीं करेंगे सेलिब्रेट, कल कर लेंगे। आज का प्लान थोड़ा डिफरेंट होगा, हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट खाएंगे और उसके बाद
एक टेंपल जाएंगे। बहुत सालों से नहीं गए हैं उस टेंपल में और मुझे बहुत दिनों से मन था उस टेंपल में जाने का, बिकॉज जब हम लोग ऑफिस ओपन किए थे उससे पहले गए थे हम लोग वहाँ पे, एंड वी थॉट कि हम लोग ऑफिस ओपन करेंगे तो फिर एक बार आएंगे, बट अभी तक हम लोग नहीं गए हैं। सो आज फाइनली 5 और 6 ईयर्स के बाद हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। तो देखते हैं खुला रहेगा कि नहीं, आई थिंक खुला रहेगा, मोमेंट तो बोल रहे हैं खुला रहेगा, और टेम्पल्स अभी खुल गए हैं लगभग, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बेंगलोर में नहीं है, बेंगलोर से वो थोड़ा दूर है, आरसी केरे है, हासन डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। आरसी केरे का फेमस टेम्पल है, वो वहाँ पे जाएंगे, तो बस आप लोग को भी साथ में दिखाते जाऊँगी मैं। और वो जो टेम्पल है ना, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर ऐसा है ऊपर में, तो हम लोग को स्टेप्स से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। स्टार्टिंग में एंट्रेंस होता है, वहाँ पे एक गोपुरम होता है, तो वो सब नहीं था, बट जब मैं वीडियोस देखी हूँ कुछ लोगों का और कुछ गूगल सर्च की हूँ, तो अभी बन चुका है, तो आई थिंक बहुत सुंदर दिखने वाला है अभी जाऊँगी तो। उस समय तो बिल्कुल उतना नहीं था, बट पहाड़ पर आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर से जो सीन दिखता है ना, वो बहुत अच्छा दिखता है। तो आज मैं आप लोग को सारा चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो चलिए पहले फटाफट मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ एंड देन चलेंगे। तो अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ से, अभी टाइम हो रहा है 11:43। सो यहाँ से 200 किलोमीटर है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और मौसम तो आज धूप वाला ही है, बारिश वाला बिल्कुल नहीं है। काश थोड़ा थोड़ा बारिश वाला होता तो अच्छा होता था। क्या आप देख रही है शेर? चश्मा निकाल के देखो ना, बारिश होने वाला है। नहीं हो रहा है, मैं धूप है। कहाँ बादल लगा हुआ है मोमेंट देखो, कहीं कहीं पे थोड़ा लगा हुआ है, मतलब ऐसा काला वाला रोज रहता है। देखो उधर लगा है ना, हम लोग उसी रास्ते में जा रहे हैं। अब रोज बहुत ज्यादा काला रहता है वैसा नहीं है, हाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मैं भी होगा, बट यहाँ तो नहीं है अभी। तो मोमेंट अभी च्युइंगम लेने गए हैं, क्योंकि ना मुझे बहुत सिर अजीब सा घूम रहा है, मैं लेना भूल गई एक्चुअली, घर में ना और भी रखा हुआ था बट मैं लेना भूल गई। कार में जब भी जाओ ना तो मुझे च्युइंगम जैसा कुछ चाहिए, वरना वो हेडेक शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे वैसे ही कुछ लग रहा है। तो अगर तबीयत खराब हो गया तो फिर तो पूरा कचरा हो जाना है हमारा। तो और धूप बोल रहे थे ना बहुत नहीं है, देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा धूप है ना। और ये है सुपारी का बहुत सारा पेड़ जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, और यहाँ पे लोग ऐसे बिल्कुल लाइन लगा करके इसको लगाते हैं, इतना सुंदर लगता है ये देखने में। तो बस नज़ारा देखते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो अभी देखिए मोमेंट नहीं है यहाँ पे, बिकॉज वो गए हैं करी पार्सल लेने के लिए। रोटी मैं बना के लेके आई थी, बट करी जो सुबह बनाई थी ना वो थोड़ा कम हो गया था, तो फिर लेट भी हो रहा था तो हम लोग निकल गए थे। और अभी 3:00 हो गया है, अभी भी आधा घंटा है पहुंचने के लिए हम लोग को, तो हम लोग सोचे पहले खा लेते हैं, लंच कर लेते हैं एंड देन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी पूरा ना पहाड़ पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा हम लोग को, और मिडिल में फिर खा नहीं पाएंगे, फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो इस वजह से हम लोग खा लेंगे और फिर निकलेंगे। वहाँ तो रेस्टोरेंट के अंदर तो बैठ के नहीं खाएंगे, वो पार्सल लेके आएंगे और हम लोग गाड़ी में बैठ के खा लेंगे अच्छे से। तो बस आज लेट हो गया, एक्चुअली हम लोग सोचे थे ना सुबह ही निकलेंगे, सुबह 6:00 उठेंगे मोमेंट और फिर हम लोग 7:30 8:00 मैक्सिमम निकल जाएंगे, बट एक मोमेंट का कॉल आ गया एक क्लाइंट का एंड देन बिजी हो गए। तो फिर यही सब होते 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 हम लोग निकले हैं 11:48 और 11:43 शायद ऐसे ही कुछ निकले हैं, अप्रॉक्सीमेट समझिए 12:00 ही निकले हैं हम लोग। मुझे लग रहा था 2 आवर्स लगेगा यहाँ आने में, बट इट्स 200 किलोमीटर, तो मिनिमम 3.5-4 आवर तो लगेगा आने के लिए ऐसा। तो रोड में उतना ट्रैफिक तो नहीं था,
बट ठीक ठाक था। और धूप भी बहुत ज़्यादा धूप है। मतलब 2-3 दिन पहले से कितना अच्छा मौसम था ना, बिल्कुल बारिश वाला अच्छा वाला, और अभी जब हम लोग जा रहे तो पूरा धूप 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 ही है। अब देखिए वहाँ जा कर के क्या था। बट अभी मैं जो बोली थी आप लोगों की, हाँ सर्च की थी मैं उसके बारे में, तो अभी तो पूरा जो स्टेप्स है उसके ऊपर भी शेड लगा दिए हैं, ऐसा मैं देखी थी। अब वहाँ जाके पता चलेगा क्या है, और जाने देता है नहीं जाने देता है ये भी पता नहीं, क्योंकि नेट पे मोमेंट चेक किए थे तो खुला हुआ है, बट वहाँ जाके पता चलेगा एक्चुअल क्या हालत है। अभी ये हमारा पार्सल आ गया है और हम लोग निकल गए हैं यहाँ से। कहीं पे रास्ते में कोई शेड मिलता है, छाया मिलता है, तो फिर हम लोग वहाँ रुकेंगे और कार में बैठ के खाएंगे। खाना हमारा हो गया है और बनाना लास्ट में खाना के बाद। तो हम लोग फिर से निकल गए हैं वहाँ के लिए, और अब हाफ एन आवर बस है पहुँचने के लिए, तो डायरेक्ट वहाँ पहुँच के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा सा चीज़ दिख गया है, ये पॉन्ड है और इसमें बहुत अच्छे से फार्मिंग किया हुआ है लोटस का। और इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना बाहर में, फार्मिंग किया, लोटस फार्मिंग किया है पूरा, पता है यहाँ पे। हेलो, सो इट्स लुकिंग टू नाइस, सी पूरा पॉन्ड जैसा है पूरा, और इतना अच्छे से ना, बट नीचे नहीं जा सकते हम रोड पे है, तो बस इतना ही है। चलिए आगे देखते, उस साइड से आई थिंक है। ये देखिए, उस साइड से नीचे उतरने के लिए स्टेप्स बना हुआ है, बट हम लोग अभी नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया हम लोग को। आर्च होता है ना रोड का, इंट्रेंस आर्च वो था, और ये रोड उतना कुछ खास नहीं है, देखिए बहुत टूटा फूटा रोड है, और यहाँ से और 3-4 किलोमीटर है। सो नाउ आप लोग देख सकते हैं जिस टेंपल में हम लोग जाने वाले हैं वो किस हिल पे है, वो बिल्कुल दिख रहा है, वो वाइट सा जो आपको हिल्स पे लाइन दिख रहा है वही ये स्टेप्स है जिसके थ्रू हम लोग ऊपर जाएंगे टेम्पल पे। तो मंजिल दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ गए हैं हम लोग, और यहाँ पूरा ग्रीनरी दिख रहा है बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो हम लोग यहाँ ट्रेन से आए थे बेंगलोर से आरसी के लिए, एंड देन टेम्पो करके हम लोग गए थे, और इस बार हम लोग कार से आ रहे हैं तो पूरा नज़ारा अच्छे से देख पा रहे हैं हम लोग। ये देखिए पहाड़ को ही कट कर दिया है इतना, टार वो विटामिन है, विटामिन उसको वो कर रहे हैं। और तो यहाँ पे बीचिंग प्लांट बनाया है क्या? दोनों, इधर में ये बना दिया, उधर में क्रशर बना दिया। ओके, और पूरा पहाड़ इधर ही काटता है, इधर ही कर लेता है ऐसा। कल के इधर ही। सो आज का व्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल इसी व्लॉग को कंटिन्यू करते हुए, एंड आप देखेंगे कि मैं कौन सा टेंपल जा रही हूँ। टिल देन, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन, बाय।